दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेवात से यानी राजस्थान मेवात से एक बहुत ही दुखद खबर प्रकाश में आ रही है। दोस्तों ये काला घाटा गांव पड़ता है, तहसील नौगावा, और इस काला घाटा गांव में जो दोस्तों मामला सामने आया है वो बहुत ही दुखद है, अफसोसनाक है। आप उसे सुनोगे तो हैरत में रह जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों आपको लिए चलते हैं राजस्थान मेवात के गांव काला घाटा की ओर, जहां एक परिवार रजाक का होता है और दूसरा एक व्यक्ति होता है गफ्फार नाम का। वैसे दोनों को ही एक परिवार से, एक कुनबा कबीले से बताया जाता है, लेकिन जो घटना है दोस्तों वो बहुत लचीली है। रजाक का दावा है कि गफ्फार, यानी रजाक का दावा है कि गफ्फार नाम का जो व्यक्ति है वो 1985 में मर चुका था और उनकी जो कब्र है वो भी इसी गांव में मौजूद है। लेकिन जब उनसे कब्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हाथ हिलाकर कह दिया कि भाई 40 साल पुरानी कब्र है, हम कैसे ढूंढ पाएंगे, कब्र का तो मालूम नहीं है, लेकिन इसी गाँव के कब्रिस्तान में दफन है। दोस्तों अब दूसरी ओर आपको ले चलते हैं जहां एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ होता है और उस बड़ के पेड़ के नीचे काला घाटा गांव में पूरा गांव इकट्ठा होता है और जो रजाक का परिवार होता है जिस पे जमीन हड़पने का आरोप लगता है वो अकेला परिवार होता है। उसका बेटा अपने आप को उपसरपंच भी बताता है, लेकिन जो गफ्फार है जो पंजाब से चलकर 40 साल बाद राजस्थान में मेवात पहुंचा काला घाटा गांव, उसके साथ पूरा गांव खड़ा है। गांव के सैकड़ों बुजुर्ग, दर्जनों महिलाएं और सैकड़ों नौजवान खड़े हैं और एक ऐतिहासिक पेड़ यानी 150 साल पुराना 1947 से भी पहले का एक बड़ का पेड़ है जिसके नीचे उनकी एक पंचायत हुई और उस पंचायत के दौरान उन्होंने मेवात आज तक की टीम को बुलाया और अपना दर्द बयान किया। अब एक तरफ मैंने आपको बताया कि जो रजाक का परिवार है, जो रजाक के पुत्र हैं, रजाक है, वो कहते हैं कि जो गफ्फार है ये 1985 में मर चुका था, ये इसका मृत्यु प्रमाण पत्र है जो उन्होंने दिखाया। अब वो फर्जी है या ओरिजिनल है ये तो शासन प्रशासन के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जाँच करेंगे तो ही पता लग पाएगा। लेकिन दोस्तों अब गांव काला घाटा की बिरादरी की बात करें तो वो समस्त गांव की जनता उस गफ्फार के साथ है, उस पीड़ित गफ्फार के साथ खड़ी थी जो गफ्फार पंजाब से चलकर आया और 4 बीघा जमीन होने का दावा कर रहा था कि ये मेरे नाम जमीन है। वो कहता है कि उनकी मदर जो थी वो पारो थी, यानी कि बिहार वगैरह की थी, वो उनके पिता के देहांत के बाद वो इस गाँव से खाने कमाने की नीयत से बच्चों को लेकर पंजाब चली जाती है और पंजाब जब चली जाती है तो वहाँ वो दूसरा घर कर लेती है। कुछ और भी बच्चे होते हैं, ये भी बच्चे रहते हैं, लेकिन 40 साल बाद दोस्तों जब गांव वाले उनकी खोज करते हैं, ढूंढ करते हैं, तो पता चलता है कि गफ्फार जिंदा है। अब गफ्फार अपने जिंदे होने के सबूत देता है, दावा करता है और उसके साथ गाँव की समस्त सरदारी भी ये कहती है, दावा करती है कि यही वो असली गफ्फार है। सैकड़ों नौजवान कहते हैं कि यही वो असली गफ्फार है जिसकी 4 बीघा जमीन थी, जो बचपन में अपनी माँ के साथ इस गांव को छोड़कर चला गया था। गांव के तमाम बुजुर्ग कहते हैं कि यही असली गफ्फार है जिसकी 4 बीघा जमीन रजाक ने हड़प ली है, यानी इसे मरा घोषित करके मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करा करके जमीन अपने नाम उतरवा ली। वही गाँव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं जिन्होंने भगा भगी और 1947 को देखा, उनका भी दावा है कि यही असली गफ्फार है और हमने इसको बचपन में छोटा सा देखा था और इसी की वो ज़मीन है जो 4 बीघा ज़मीन का मसला है। लेकिन उधर रजाक की फैमिली और रजाक इस बात से साफ इनकार करते हैं कि ये असली गफ्फार है। वो कहते हैं, उनका दावा है कि उनके पास तमाम एविडेंस हैं, ये नकली गफ्फार उनके सामने पेश किया जा रहा है। असली जो गफ्फार था वो 1985 में ही इंतकाल कर गया था। दोस्तों अगर वह इंतकाल कर गया था तो फिर उनकी कब्र कहाँ है, कब्र का कुछ मालूम नहीं। ग्रामीण कहते हैं कि भाई किसी ने कंधा तो दिया होगा, किसी ने निलाया तो होगा, कहीं उसकी डेथ तो हुई होगी, कोई तो निशानी होगी, लेकिन ऐसी कोई निशानी
रजाक के परिवार के पास हमें नहीं मिलते जो उनकी कब्र का सबूत दे सके, उनके मरने की कहानी के बारे में कुछ बयान कर सके। लेकिन दोस्तों, जो गांव वाले हैं वो पूरे इस बात पर अड़े हुए हैं कि गरीब आदमी है, इसकी 4 बीघा जमीन इसको दिलवा कर रहेंगे। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। पीड़ित गफ्फार के कहने पर विभिन्न धाराओं के तहत 420 का मुकदमा दर्ज हुआ है। राजस्थान पुलिस ने जो FIR दर्ज की है वो रजाक और उसकी फैमिली के खिलाफ दर्ज की है। यानी कि उन्होंने भी माना है कि कहीं ना कहीं जब शिकायत मिली तो 420 इन्होंने की है। अब आके इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, क्या सच्चाई निकल करके आती है। हम तो यही कहते हैं कि पुलिस सही तरीके से जांच करे, जो दोषी है उसको सजा मिले, जो निर्दोष है उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मामले में अगर सच में रजाक दोषी है और 4 बीघा जमीन उसने हड़पी है तो उसको सजा मिलनी भी ज़रूरी है और निर्दोष गफ्फार को इंसाफ मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा गांव उनके साथ खड़ा था एक बट के पेड़ के नीचे। और पूरे गांव की महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान दावा कर रहे थे कि यही असली गफ्फार है। अब दोस्तों, असली गफ्फार है या नकली गफ्फार है ये तो अब शासन प्रशासन और न्यायालय तय करेगा सबूतों के आधार पर कि ज़मीन किसको मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों से सिर्फ इतनी सी निवेदन है, इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दर्ज कराएं कि आपको क्या लगता है, क्या रजाक की फैमिली सही है जो उन्हें नकली गफ्फार बता रही है और 4 बीघा ज़मीन अपने नाम उतरवा रखी है, या फिर वो गाँव सच्चा है जो गफ्फार को असली गफ्फार बता रहा है और उसको ज़िंदा बता रहा है। बताइए क्या लगता है आपको। पुलिस प्रशासन से इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार मेरी निवेदन है, इस मामले को गहनता से लें और बारीकी से जांच करें। जो दोषी है उसको सजा, जो निर्दोष है उसे इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज की है, उन्होंने अपनी जो कार्रवाई वो जारी रखी है। आगे क्या कुछ मामला होता है इस दुखद घटना में वो आपको ज़रूर बताएंगे। ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, बताइए, जो जिंदा इंसान को मरा घोषित कर देते हैं, यानी कि मृत घोषित कर देते हैं और पूरा गांव ये दावा करता है कि गफ्फार असली है और गफ्फार जिंदा है। तो भाई, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये असली गफ्फार है और असली गफ्फार है और ये जिंदा है, ये 1985 में मरा नहीं था, तो ज़मीन इसी को मिलनी चाहिए। यदि ये झूठा गफ्फार है तो फिर ज़मीन इसको नहीं मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी मामले को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, क्योंकि मैं जिस मुद्दे को उठाता हूँ उसकी तह तक पहुँचता हूँ और पूरी जांच पड़ताल करके अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। और खाली आगाज़ ही नहीं, हम अंजाम तक पहुँचते हैं। इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है इस मामले का हल भी करा करके रहेंगे। दोस्तों, फिलहाल इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।